कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और ट्रेन के 20 डिब्बे डिरेल हो गए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन, बोल्डर टकराने से हादसा हुआ है। रेलवे का बयान सामने आया कि बोल्डर टकराने से यह हादसा हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामूली रूप से कुछ लोग घायल हुए हैं। बोल्डर से टक्कर के बाद में इंजन डैमेज हुआ था। एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस की 20 बोगी पटरी से नीचे उतर गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में पटरी से साबरमती एक्सप्रेस नीचे उतर गई है और मौके पर अफरा तफरी मच गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर इस वक्त मौजूद है और कई डब्बे इसमें डिरेल हुए हैं, जिसके बाद में सभी लोगों को बाहर निकाला गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं लाइव। अमित, अभी मौके पर किस तरह के हालात हैं? आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, जरा तस्वीरें आप दिखाइए। और अब ये हादसा कैसे हुआ है और कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है, तो उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दर्दनाक हादसा है। हालांकि शुक्र की बात ये रही कि इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद के लिए जा रही थी और 28 नंबर का जो ये पुल है, उस पुल को पार करने के बाद आप ये देखिए कि एक एक करके 22 डब्बे कैसे पटरी से नीचे उतर गए। देखिए, मैं अपने कैमरामैन सताऊँ का दिखाने का प्रयास करें। देखिए, पूरे पटरियाँ इम्बेलेंस्ड हो गई हैं। सारी क्लिपें देखी जा सकती हैं कि कैसे हटी हुई हैं, और ऐसे में साफ तौर पर ये पूरा दृश्य बता रहा है कि कितना जोर से इसका स्पीड स्ट्राइक करी थी और लगातार ये इसमें चिंगारियां निकलती चली गई। देखिए, पटरी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी पटरियों के ऊपर से गाड़ी लगभग 0.75 किलोमीटर से चली, और ऐसे में 1700 यात्री बताए जा रहे हैं जो इसमें बोर्ड किए थे। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि हल्की अगर चोटें बताई, किसी को स्क्रैच आया, किसी को जर्क लगा, कोई कुछ हुआ, ऐसे में लोग फटाफट ट्रेनों से नीचे उतरे और सामने, मैं अपने कैमरा में सकूंगा सामने का प्रयास दिखाई, इस जगह उतर के बैठ गए। और ऐसे में सामने बसेस इस बार लगा दी गई थी, लगभग 43 बसेस लगाई प्रशासन ने, 28 एम्बुलेंसेज लगाई, और उसके बाद एम्बुलेंस में 7 से 8 लोग जो मामूली रूप से इंजर्ड थे उनको यहां से अस्पताल के लिए भेजा गया प्राथमिक उपचार के लिए, और ऐसे के बाद रिलीफ ट्रेन लगाई गई, बसेस लगाई गई, जिसके बाद बसों के माध्यम से ने भेजा गया। ये ट्रेन में मैक्सिमम लोग अहमदाबाद के थे और कुछ लोग झांसी के लोगों, क्योंकि लोकल पैसेंजर्स इसमें कम चढ़ते हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट की गाड़ी साबरमती एक्सप्रेस, और ऐसे में लोकल पैसेंजर्स की नहीं हो, तो सुबह भोर के वक्त ये हादसा हुआ। और ऐसे में अब रेल के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, तो वहीं एक टीम इसमें लगाई गई है कि इसको पटरियों को हटा के इसको साइड लगाया जाए, क्योंकि पटरियां पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा फिर दिखाने का प्रयास करें कि पटरियां डैमेज हो चुकी हैं। अब जब तक ट्रेन नहीं आएगी, ट्रेन के माध्यम से इनको उठाया जाएगा और उठा के किनारे किया जाएगा ताकि पटरियों को ठीक किया जा सके, क्योंकि ऐसे में पटरियां लगभग 0.75 किलोमीटर तक की पटरियां बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। और स्लीपर्स की बात की जाए तो पुल के 28 नंबर और 27 के बीच के पुल के पास से जो स्लीपर्स हैं वो डैमेज हुए हैं पूरी तरीके से। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे, इस ट्रेन के 22 डब्बे हटे हैं, सिर्फ इंजन और SLR अगर की बात की जाए। और देखिए क्लिपों की क्या हालत है, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए कितना जोर से इसका स्ट्राइक आउट हुआ है कि इस पटरी से 4-4, 5-5 फुट दूर जाके इसकी क्लिपें गिरी हुई हैं। और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं लोग दहशत में थे कि क्या इसमें हुआ, और अब रेल के अधिकारी यहाँ पहुँचे, कुछ जांच कर रहे हैं, कुछ टीम को बुलाया गया, क्योंकि यात्री ऐसे सच कुछ नहीं। देखिए मैं ट्रेन के इसके नीचे आपको देखिए बैठ के दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसकी पूरी, मैं कैमरा से देखिए क्लिपों की हालत, देखिए मैं आपको क्लिपों की हालत दिखाना चाहता हूँ, क्लिपें कैसे टूट गई हैं, पटरियों के प्लेट्स डैमेज हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और ये अब इस बात का गवाह है कि चिकना चूर हो चुका है एक करके चीज़ें, यहाँ से पूरी प्लेट्स कपलिंग जैसे इसकी साइड के सब अलग हो चुकी है। और ऐसे में यहाँ अधिकारियों का ये प्रयास है कि जहाँ एक उसकी जांच कराई जाए तो इस ट्रैक को भी खोला जाए, क्योंकि अप और डाउन दो लाइंस हैं फिलहाल अभी रोक दी गई हैं और 17 से 18 ट्रेनिंग अलग अलग डेस्टिनेशन पे खड़ी है। जी लेकिन अमित, सबसे बड़ा सवाल ये कि एक बड़ा बोल्डर यहाँ पर आया कैसे? क्या ये किसी की शरारत है या फिर किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, ये आया कहाँ से? स्लीपर्स और बोल्डर्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो अपने ट्रैक पर नहीं आते हैं, और ऐसे में कैसे आए, क्या है, ये जांच का विषय है।
इसमें अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। हालांकि रेल के बड़े अधिकारी एक स्पेशल ट्रेन से यहाँ पहुँच रहे हैं, डिप्टी CTM यहाँ मौजूद हैं, झांसी मंडल के सीनियर DCM यहाँ पहुँचे, और ऐसे में RPF और GRP के ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि लोगों के लगेज बहुत थे, वो उन तक पहुँचने चाहिए, कोई मिसहैंडलिंग ना करे, कोई यहाँ के सामान ना ले जाए। इसके लिए पुलिस ने भी प्रयास किया कि सुरक्षित इनके सामान इनके यात्रियों तक पहुँचाया जाए, और ट्रेन एक स्पेशल अभी आई थी यहाँ से कानपुर सेंट्रल, और कानपुर सेंट्रल से विशेष ट्रेन के माध्यम से नहीं भेजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अमित, क्या बाकी ट्रेनों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक कई ट्रेन हादसे हुए हैं, और ना सिर्फ वो ट्रेन में बैठे यात्रियों पर उसका असर होता है, बल्कि जो बाकी लोग होते हैं वो भी काफी प्रभावित होते हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, बसों के जरिए यात्री भेजे जा रहे हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा जो सुरक्षित बाहर निकाले गए उन सभी को बसों के जरिए उनके घर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या बाकी ट्रेनों पर भी इसका असर रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी ट्रेन का रूल होता है अप ट्रैक डाउन ट्रैक, डाउन ट्रैक होता है एक लूप लाइन होती है, ये अप और डाउन दो ट्रैक्स हैं। इस ट्रेन के ट्रैक की बात की जाए तो ये टुवर्ड्स अहमदाबाद जा रही थी, और दूसरे ट्रैक, अब इसके पीछे कुछ ट्रेन्स हैं जिसमें पैसेंजर्स हैं, और ये मेन वो लाइन है जो महाराष्ट्र के लिए भी जुड़ती है, क्योंकि जितनी भी ट्रेन्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कानपुर से होके जाती हैं, तो यही ट्रैक है जिसके भीमसेन, यहाँ के आगे एक स्टेशन भीमसेन, भीमसेन के बाद जालौन, आटा, और उसके बाद झांसी, झांसी से फिर रास्ते कटते हैं भोपाल, इटारसी, ऐसे होते हुए निकल जाता है। ऐसे में कई ट्रेन्स अफेक्टेड हैं। हालांकि रेल के अधिकारियों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, और अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, रेल के अधिकारियों ने ये यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बताया। हालांकि देखिए, जरक लगाया, ट्रेन स्पीड में थी, इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई, इसकी प्लेट टूटी। मैं फिर थे कि ट्रेन का अगर बात है तो ट्रेन पर आप चढ़ के ना उसको एक्सप्लेन करें, शायद ये ठीक से नहीं समझ पाता। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि हम लोग थोड़ा प्रयास करें कि देखिए कितना उस वक्त का मामला रहा। देखिए चप्पलें कैसे पड़ी, देखिए ये ट्रेन का कोच है, देखिए डब्बा भी इसने मिला है, चप्पलें कैसे पड़ी, किसी का नाश्ता पड़ा है, किसी चप्पल कुछ के हल्का सा भी लगेज है, देखिए ब्लड के स्पॉट्स भी है, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, इंजर्ड तो लोग हुए हैं, अब कितने हैं क्या है, देखिए ब्लड का फ्रेश स्पॉट पड़ा है, मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा राइट और लेफ्ट दोनों दिखाएं कि देखिए इतना बड़ी ट्रेन है, देखिए लोग रात में सो रहे थे कहीं ना कहीं, देखिए ट्रेन इंबैलेंस है, थोड़ा टेढ़े फॉर्मेशन में, तो कोई सो रहा है, कोई गिरा होगा, ट्रेन में जर्क लगा होगा, और हम चलिए आगे चल के दिखाना चाहते हैं आपको। ये देखिए लोगों के खाने का सामान रखा है, और इस तरह करते करते कुछ ना कुछ हर ट्रेन में, मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा, देखिए ये वो स्लीपर कोचेज S3 कह रहे हैं जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, सबके सोने की पोजीशन थी, देखिए सबने अपने अपने स्लीपर्स को उठा के रखा था ताकि वो सो सके, और देखिए हाँ ये देखिए खून के स्पॉट और लगे हैं, ये देखिए देखे जा सकते हैं कि चोट लगी है, देखिए ये एक्सक्लूसिव न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि ये चोट लगी है और खून निकला है तभी ये ब्लड बहा है, और ब्लड का फ्लो देखिए कहां तक गया है, कुछ लोग इंजर्ड जरूर है, हालांकि अधिकारी का कहना है कि इंजर्ड नहीं है, कैजुअल्टीज नहीं हुई, क्योंकि किसी कोई अभी बयान नहीं दे रहा है, अब रेलवे के अधिकारी जब आएंगे अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे तब जाके पता चलेगा वास्तविकता क्या है। जी तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, और साथ ही लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया, एक बड़ी खबर मिल रही है, बनारस सिटी के लिए नंबर जारी किया गया है, साथ ही गोरखपुर सिटी के लिए भी नंबर जारी किया गया है, टुंडला के लिए भी नंबर जारी किया है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और साथ ही अहमदाबाद के लोगों के लिए भी ये नंबर जारी किया गया है। अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में सवाल सफर कर रहा था, अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में सवार था या सफर कर रहा था, तो आप इन नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। और ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ में अमित जुड़े हुए हैं। अमित, अगर आपके आसपास कोई यात्री मौजूद हो तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि यह हादसा कैसे हुआ, क्योंकि टाइमिंग 2:45 की बताई जा रही है, और अमूमन ये वो वक्त होता है जब ज्यादातर यात्री ट्रेन में सो रहे होते हैं। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये सोने का ही टाइम होता है, और 3 के आसपास का ये घटना की जानकारी हुई है, जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं 2:55, 2:45, 2:48 अभी क्लियर नहीं है, और ऐसे में सब सोने वाले। देखिए मैं अपने कैमरा में देखूँगा, देखिए कुछ ने अपने घर के लिए कुछ घी, देसी घी ले जा रहे थे, देखिए ये पड़ा है, कुछ के लिए अपने खाने का ये सामान पड़ा है, यानी वो खाना भी अपने नेक्स्ट डे के लिए रखे थे, इसमें कुछ खाने का सामान पड़ा है, मैं किसी के सामान को छूना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि रेलवे की कोई जाँच का ये विषय हो। देखिए इसमें सामान पड़ा है, और मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा और आप आगे आइए,
अब मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ सब लोग लेटे पड़े थे और ऐसे में दरगुमची किसी के देखे सॉक्स पड़े, वो सॉक्स तक नहीं पहन पाया। देखिए एक सॉक्स ये पड़े हैं और इसके बाद देखिए एक सॉक्स ये रखे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा और आगे आके मैं दिखाना चाहिए प्रयास करूंगा कि ये ट्रेन में सब लोग यात्री सो रहे थे, जैसा कि आप बता रही थी। कुछ लोगों का देखिए मूंगफली खा रहे थे, कुछ के पॉलिथिन रखे हैं, कुछ का सामान इसमें रखा हुआ है। और ऐसे में लगेज तो कोई किसी का नहीं है, मतलब छोटा मोटा सामान कहा जा सकता है। देखिए हाँ, अब जैसे लगेज किसी का खाने का सामान ये देखिए जरूर रखा है, ये देखिए किसी का खाने का सामान ये रखा हुआ है। अब खोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें फूड आइटम्स कुछ रखे हुए हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है क्योंकि वक्त ऐसा था कि आदमी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, पेंट्री कार इसमें है नहीं, तो लोग अपना खाना भी। अब यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, शशिकांत त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, CPRO हैं। सर बहुत दुखद खबर इसे कह सकते हैं, एक बार फिर से ट्रेन हादसा हुआ है, कई लोग घायल हो गए हैं और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही ट्रेन के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी काफी परेशान करने वाली हैं, खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जैसा सामान जिसका था वो वैसे ही छोड़कर चले गए हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सर क्या अपडेट मिल पाई है, आखिर ये हादसा हुआ कैसे, बोल्डर आया कैसे वहां पर? देखिए अभी जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हुआ होगा, साबरमती एक्सप्रेस जो कि बनारस से चल के अहमदाबाद के लिए जा रही थी, इसका कानपुर के नजदीक गोविंदपुरी भीमसेन के बीच में डिरेलमेंट हुआ है। और इसमें किसी भी यात्री के घायल अथवा हताहत होने की सूचना नहीं है। अभी हम लोगों का पूरा ध्यान इस बात पे है कि हम सभी यात्रियों को सुरक्षित वहां से ले जाके और कानपुर सेंट्रल पे बसों के द्वारा और एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद कानपुर सेंट्रल से हम लोग एक स्पेशल ट्रेन अरेंज कर रहे हैं जिससे कि इन सभी यात्रियों को इनके आगे गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। सर लगभग कितने यात्री घायल हुए होंगे, कोई आंकड़ा? नहीं, अभी हमने बताया किसी भी यात्री के घायल अथवा हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई भी यात्री इसमें घायल नहीं हुआ है। क्योंकि जानकारी ये भी आ रही है कि जो लोग मामूली घायल हुए थे उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया है। किसी भी यात्री के घायल होने की कोई सूचना नहीं। और सर क्या मदद उन तक पहुंचाई जा रही है, आपने कहा कि ट्रेनों का इंतजाम किया गया है, सभी को सुरक्षित सभी गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा? सभी यात्रियों को बस के द्वारा और एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा कानपुर सेंट्रल लाया जा रहा है जो कि वहां का नजदीकी बड़ा स्टेशन है। और कानपुर सेंट्रल स्टेशन से एक विशेष ट्रेन का प्रबंध किया गया है, उसके माध्यम से उसको जो भी यात्री जहां अपने गंतव्य अहमदाबाद की ओर और इन रूट जाना चाहेंगे उनको उस ट्रेन से भेजा जाएगा। ठीक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। और अमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, CPRO को आपने सुना, उनका कहना है कि किसी के भी घायल होने की कोई भी जानकारी नहीं है, जितने भी लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा है ये दुखद हादसा है, निश्चित तौर पर अभी अधिकारी किसी प्रकार की कैजुअल्टी या इंजर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी हुई है लोगों को। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा में से, वो थोड़ा चुकी है क्योंकि ट्रेन थोड़ा ओवरटर्न है। स्लीपर्स देखिए किसी महिला के हैं, वो पूरा पहन भी नहीं पाई, पानी की बोतल एज इट इज रखी है और तमाम ऐसी पानी की बोतल्स रखी है लोगों, किसी के चप्पल, किसी के सॉक्स। और देखिए ट्रेन अभी हिल रही है इस टाइम, देखा जा सकता है। और देखिए हम जिस चल रहे हैं ट्रेन को इम्बेलेंसमेंट हो रहा है, देखिए पानी का ये देखिए बॉटल्स कैसे लोगों ने लेके रखी, उन्हें नहीं पता था कि ये पानी शायद वो नहीं पी पाएंगे क्योंकि जिस प्रकार से हादसा हुआ, जिस प्रकार से घटना हुई, ये इस बात की गवाह है कि झटका तेज से लोगों को लगा। और ऐसे में देखिए भगदड़ पहुंची, कुछ के सामान भी अभी थोड़े थोड़े रह गए। देखिए सॉक्स की बात करें, कोई मोजा नहीं पहन पाया, कोई अपनी चप्पल नहीं पहन पाया, किसी का पानी का बोतल छूटे। हालांकि जिसको जैसा मौका मिला हो चलती ट्रेन से तो नहीं कह सकते, ट्रेन को रुकने का इंतजार किया। देखिए किसी महिला की चप्पल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये चप्पल पड़ी है, ये देखिए कुरकुरे कड़े कुछ खा रहे, कुछ सामान और भी नीचे रखा हुआ, मैं कैमरा में चाहूँ तो झुक के दिखाइए, थोड़ा इसमें कुरकुरे पड़े हैं, ये सामान, ये चप्पल देखिए इनकी रखी हुई है, ये किसी के खाने का सामान जिन्होंने रखा है। और ऐसे में अब उन्हें इस चीज का आभास भी नहीं था कि ये घटना हो, देखिए सॉक्स यानी जूता पहनने का भी उनको मौका नहीं मिला, इतना जोर से ये था स्पीड चली क्योंकि इस 100 की स्पीड से बताई जा रही थी ट्रेन, 100 की स्पीड से जब ब्रेक लगे ट्रेन में और पटरी से डिरेल्ड हो जाए और इसमें भगदड़ बचती है तो लोगों के अंदर दहशत होती है, लोगों को चप्पल तक पहनने का मौका नहीं मिला, जैसे कि हमने कई चप्पलें आपको कई चीजें से देखे, ये कपड़े सुखाए थे क्योंकि निश्चित तौर पर स्लीपर कोच लॉन्ग रूट आदमी सोचता है, बिल्कुल अमित भले ही जिम्मेदार कुछ भी कहने से बच रहे हैं लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं।
और साथ ही कई ट्रेनों पर भी इसका असर रहेगा। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, बुंदेलखंड जाने वाली ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। आप नजर बनाए रखिएगा अमित, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।